अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी कमल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिनी व्लॉग बाय क्रेन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी फ्राइड फिश की। सबसे मैंने पहले लहसुन लिया और उसके छिलके उतार लिए। लहसुन के छिलके उतार लिए। इसके बाद ये बाकी की चीज़ें हैं। अदरक लेके इसके छिलके उतारने। अब लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेना है। और ये खुश धनिया लेके इसको मैंने अच्छे से पीस लिए। फिश का मसाले लगा के अब इसको थोड़ी देर के लिए रखना है। सबसे पहले लेमन लिया, इसमें से बीज निकाल लिए मैंने और इसका रस जो है वो फिश में ऐड कर दिए। आप लेमन जूस भी ले सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो वो भी आप उसका भी जो है वो जूस निकाल के डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद जो मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो भी मैंने ऐड कर दिए। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसमें कुटा हुआ खुश्क धनिया, ये कुटा हुआ मसाला थोड़ा सा ऐड करना है। ये मसाला ऐड कर दिया। इसके बाद ये हल्दी, थोड़ी सी हल्दी और सुर्ख मिर्च, ये सुर्ख मिर्च भी मैंने ऐड कर दी। अब इसमें मैं नमक ऐड कर देती हूँ। नमक ऐड कर दिया और इसमें अब थोड़ा सा आपने कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेना है। दो से तीन चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर के आपने ऐड करने हैं। ये अब सारे मसाले जो है वो मैंने फ़िश में ऐड कर लिए हैं। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया। और मसाले लगाने के बाद आपने फिश को थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देना है ताकि तमाम मसाले जो है ना इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। मसाले जब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं उसके बाद किसी कढ़ाई में आपने ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं वो ऐड करना है। और अब इसमें आपने फ्राई करने के लिए जो है वो फ़िश डालते जाना है जितनी सी उसमें अच्छी फ्राई हो जाए। अब मैंने इसमें फ्राई करने के लिए फ़िश ऐड कर दी। पहले इसकी एक साइड पका लेंगे, एक साइड पक गए जब तो उसकी साइड चेंज कर दें। ये अब आपके सामने फ्राई होके आ गई। अब दोबारा से सेम प्रोसेस में बाकी की जो होती है फिश वो भी आपने फ्राई कर लेनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट में मुझे लाजमी बताएं कि नेक्स्ट व्लॉग मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों का बहुत सारा प्यार चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।